तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 20 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का, वहीं हिंदी तारीख है कृष्ण अमावस्या और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है सभी फोन चलाने वाले यूजर के लिए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दूर संचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने एक नया आदेश जारी किया है, जिससे टेली मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ लगाम लगाई जा सकेगी। बताया गया टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी कि ट्राई मोबाइल फोन यूजर्स को परेशान करने वाले प्रमोशनल मैसेज भेजने के खिलाफ अब सख्त हो गई है। ट्राई ने ये साफ किया है कि टेलीकॉम कंपनियों को प्रचार के लिए भेजे जाने वाले अनरजिस्टर्ड 10 अंक वाले मोबाइल नंबर को बंद करना होगा। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ट्राई की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया है कि टेली मार्केटिंग कंपनियां अपने किसी भी चीज का प्रचार करने के लिए नॉर्मल 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। दोस्तों आपने भी ये बात कई बार गौर की होगी कि आपके नंबर पे कई ऐसे फोन आते हैं जिस नंबर को देखकर ये लगता है कि ये नंबर किसी काम का होगा, किसी व्यक्ति ने आपको कॉल किया होगा, लेकिन जब आप फोन उठाते हैं तो सामने से कंप्यूटर वाली आवाज आने लग जाती है, यानी कि कंप्यूटर वाले आवाज के जरिए कोई कंपनी अपना प्रचार कर रही होती है। जाहिर बात है इसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानी होती है। तो देश का टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी कि ट्राई अब इसी चीज को लेकर सख्त हो गया है। ट्राई ने अपने आदेश में ये साफ कह दिया है कि टेली मार्केटिंग कंपनियां 30 दिनों के भीतर ऐसे 10 नंबर वाले प्रमोशनल यानी कि प्रचार वाले कॉल और प्रचार वाले मैसेज को बंद कर दें। अगर इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो अब टेली मार्केटिंग एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फेसबुक चलाने वालों के लिए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब ट्विटर की तरह फेसबुक पर ब्लू टिक के लिए पैसे देने होंगे। मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने बीते रविवार को फेसबुक पोस्ट करके आने वाले दिनों में सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च करने की जानकारी दी है। ट्विटर की तरह मार्क जुकरबर्ग ने लिखा है कि इस हफ्ते हम मेटा वेरीफाइड शुरू कर रहे हैं, जो एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। इसमें सरकारी पहचान पत्र के जरिए आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। साथ ही बताया गया है जो यूजर फेसबुक का सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे तो उनको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। मार्क जुकरबर्ग ने यह भी बताया है कि इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये सर्विस लॉन्च कर दी जाएगी और फिर इसके बाद धीरे धीरे दूसरे देशों में भी इसे रोल आउट किया जाएगा। बताया गया इसके लिए वेब यूजर को हर महीने लगभग 1000 रूपए देने पड़ेंगे, वही iOS यूजर को हर महीने लगभग 1200 रूपए देने होंगे। हालांकि दोस्तों ये स्कीम अपने देश में कब लागू होगी यानी कि भारत में फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में जल्द ही फेसबुक की ये सर्विस अपने देश में भी लॉन्च हो जाएगी। इस सर्विस के लॉन्च होने के बाद आप अगर फेसबुक का सब्सक्रिप्शन वाला प्लान ले लेते हैं तो आपके अकाउंट के नाम के पीछे भी ब्लू टिक लग जाएगा। जैसे कि अभी इस समय जो बड़े बड़े नेता हैं या जो बड़े बड़े स्टार हैं उनके नाम के पीछे ब्लू टिक लगा हुआ आता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बागेश्वर धाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के बाड़मेर से परिजनों के साथ छतरपुर के बागेश्वर धाम आई 10 साल की बच्ची की जान चली गई है। बताया गया बच्ची को मिर्गी की बीमारी थी। परिजनों का कहना है कि बच्ची को बाबा जी ने भभूति भी दी फिर भी वो नहीं बच सकी। बाबा जी ने हमें कहा कि इसे लेकर जाओ। जिस बच्ची की जान गई है उसके परिजनों का कहना था कि हम लोगों ने बागेश्वर धाम के बारे में और यहाँ के चमत्कार के बारे में सुना था तो हम अपनी बेटी को यहाँ पे लेकर आए, हालांकि हमारी बच्ची की जान चली गई। दोस्तों आपको बता दें इस फरवरी के महीने में इस तरह का ये दूसरा मामला है कि चमत्कार के चक्कर में दो लोगों की जान चली गई है। दोस्तों देश के लोगों को ये बात समझनी होगी कि चाहे चमत्कार की बात हो श्रद्धा की बात हो तो इन चीजों में आकर किसी की जान को दांव पे ना लगाएं। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसका इलाज केवल डॉक्टर कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। और साथ ही में ये बात भी ध्यान रखनी जरूरी है कि कई ऐसी चमत्कार की बातें हो सकती हैं जो कि बिल्कुल झूठी हो, वो केवल अफवाह हो। दोस्तों हम यहाँ पर किसी एक धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों के बारे में कह रहे हैं। दोस्तों हम तो बस आपसे इतनी सी विनती कर सकते हैं कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसका इलाज केवल डॉक्टर ही कर सकता है। हालांकि जाहिर सी बात है ये बात वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो लोग आंख मूंद कर किसी पे भी भरोसा करते हैं और किसी की भी जान को दांव पे लगा देते हैं। दोस्तों किसी पे भरोसा करना ये काफी अच्छी बात होती है, लेकिन आंख मूंद के भरोसा करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल न करना, ये बड़ी ही बेवकूफी की बात होती है। दोस्तों आपने कई धर्मों में कई बार ये देखा होगा कि उनमें जो कुछ चमत्कार करने वाले होते हैं, कहने का मतलब ये है कि उनके नाम से जो चमत्कार की बातें मशहूर होती हैं तो पहले लोग उनके पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए। हालांकि जब वो खुद बीमार पड़ते हैं तो उनको बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाया जाता है। तो इन सभी बातों को सोचकर सभी जगह पे अपना भी दिमाग इस्तेमाल करें। श्रद्धा के चक्कर में छोटा मोटा नुकसान चल जाता है, लेकिन किसी की जान चले जाना सबसे बड़ा नुकसान होगा। बाकी दोस्तों आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, श्रद्धा के बारे में या चमत्कार के बारे में या आंख मूंद कर किसी पे भरोसा करने के बारे में। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मेघालय के बीजेपी चीफ को लेकर। जानकारी के मुताबिक मेघालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा है कि वो बीफ यानी कि भैंस का मांस खाते हैं और इससे उनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि भाजपा पार्टी को। मेघालय और नागालैंड में आने वाले 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, तो इसी कड़ी में वो अपना भाषण दे रहे थे और इसी भाषण के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वो बीफ खाते हैं और पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 17 साल की एक बेटी को लेकर। जानकारी के मुताबिक केरल में 17 साल की एक लड़की ने अपने पिता को लीवर डोनेट कर दिया है। ऐसा करके वो देश की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बन गई है। लड़की का नाम देवनंदा है और वो 12वीं की छात्रा है। बताया गया देवनंदा के पिता गंभीर लीवर रोग से जूझ रहे थे और लीवर ट्रांसप्लांट ही उनके इलाज का तरीका था। वैसे
आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश के ऑर्गन डोनेशन नियमों के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के लोगों को अंग दान करने की परमिशन नहीं है। ऐसे में देवनंदा ने केरल हाई कोर्ट से स्पेशल परमिशन मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद देवनंदा ने अभी हाल ही में बीते 9 फरवरी को अपने पिता प्रतीश को लीवर का एक टुकड़ा डोनेट किया। बताया गया, देवनंदा की इस बहादुरी को देखकर अस्पताल प्रशासन ने सर्जरी का बिल माफ कर दिया, यानी कि ऑपरेशन का। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने बीते रविवार को चंद्रयान 3 के लैंडर को लेकर एक मेन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बताया गया, इस टेस्ट के कामयाब होने से आने वाले दिनों में जल्द ही चंद्रयान 3 मिशन होने में मदद मिलेगी। इसी बीच ये संभावना जताई गई है कि इसी साल जून के महीने में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो सकता है, और अगर ये कामयाब रहता है तो अपने देश का लैंडर भी चांद की सतह को छुएगा, और कुछ चुनिंदा देशों में अपने देश का भी नाम शामिल हो जाएगा जिन्होंने चांद की सतह को छुआ है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में जिन दो मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया गया था, उसी केस से जुड़े कुछ नए अपडेट्स को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की पुलिस पर दो मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाने के आरोपी श्रीकांत के परिवार पर बर्बरता का मामला यानी कि जुल्म करने का मामला बढ़ता जा रहा है। राजस्थान पुलिस की कथित मारपीट के बाद श्रीकांत की गर्भवती पत्नी के पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। अब परिवार ने इसकी शिकायत हरियाणा पुलिस से कर दी है, जिसके बाद नूह पुलिस ने बीते रविवार शाम करीब 6 बजे शमशान से नवजात के शव को बाहर निकलवाया और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि बच्चे की मौत की सही वजह सामने आ सके। बताया गया, अगर वाकई में राजस्थान पुलिस की मारपीट की वजह से गर्भ में बच्चे की जान गई होगी तो राजस्थान पुलिस की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आपको इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में बीते गुरुवार को हरियाणा में दो मुस्लिम युवकों को बोलेरो कार समेत जिंदा जला दिया गया था। इस घटना के कई आरोपी हैं। मेन आरोपी तो मोनू मानेसर को बताया गया है, जो कि बजरंग दल के गौरक्षा दल का प्रमुख नेता है। हालांकि उसके अलावा भी इस घटना में आरोपियों की लिस्ट में कई और आरोपियों के नाम शामिल है, और उसी में से एक नाम है श्रीकांत। तो इसी श्रीकांत के घर पर अभी हाल ही में राजस्थान की पुलिस गई थी, और श्रीकांत की पत्नी के साथ, जैसा कि परिवार वालों ने बताया है, उसके मुताबिक पत्नी के साथ अभद्रता की गई, यहां तक कि मारपीट की गई। परिवार वालों का आरोप है कि मारपीट की वजह से महिला जो 9 महीने की गर्भवती थी, उसके बच्चे की जान चली गई है और बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो इसी पूरे केस में हरियाणा की पुलिस और राजस्थान की पुलिस आमने सामने हो गई है। बात यह है कि जिन दो मुस्लिम युवकों को अभी हाल ही में जिंदा जला दिया गया था हरियाणा में, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो जब वहाँ पे शिकायत की गई मुस्लिम परिवार की ओर से, तो राजस्थान की पुलिस हरियाणा में आकर आरोपियों को ढूंढ रही है। बाकी वैसे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारा मामला गाय तस्करी के शक की वजह से हो रहा है। बताया गया, जुनैद और नासिर, जिनको जिंदा जला दिया गया अभी हाल ही में, उन पर गाय के मांस की तस्करी का शक था। इसी की वजह से कुछ लोगों ने उन दोनों को कार समेत जिंदा जला दिया, और अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। और जाहिर बात है, ये मामला धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम का भी रूप लेता जा रहा है। और अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि वो दोनों मुस्लिम युवक गाय के मांस की तस्करी करते थे, तो तस्करों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन कानून को हाथ में लेने की वजह से अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। और पता नहीं आने वाले दिनों में इसकी वजह से किन किन लोगों की जान जाएगी, किन किन लोगों को परेशानी होगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है व्हाट्सएप को लेकर। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने पिक्चर इन पिक्चर का नया मोड जारी कर दिया है। असल में ये एक फीचर है जिसकी मदद से अब आप वीडियो कॉल करते समय भी अपने फोन के अंदर दूसरे ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी तक ऐसा होता आ रहा था कि अगर आप व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल कर रहे हैं और आपको कोई और ऐप इस्तेमाल करना है, तो आपको वीडियो कॉल को बंद करना पड़ता था। हालांकि इस नए फीचर के आने के बाद अब आप व्हाट्सएप के जरिए कॉल करते समय भी दूसरे ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि आपको बता दें, अभी ये फीचर केवल आईफोन वालों के लिए जारी किया गया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अटल सभागार में बीते रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के संचालक मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को और उनके परिजनों को संबोधित करते हुए कहा है कि जाति और भेदभाव छोड़िए, हम सभी हिंदू हैं। जो दूसरी जातियां अलग अलग धर्म अपनाए हुए हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू थे। हमें विभिन्न जातियों, पंथ और भाषाओं और क्षेत्रों के परिवारों के साथ दोस्त बन के रहना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, भोजन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो मोहन भागवत ने ये कहना चाहा है कि देश के अंदर चाहे जिस भी धर्म के लोग रह रहे हों, उनके पूर्वज हिंदू थे, तो कुल मिलाकर वो हमारे भाई ही हुए। इसी की वजह से हमें जाति का भेदभाव छोड़ देना चाहिए और सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि बीते समय में यानी कि भूतकाल में उनके परिवार वाले हिंदू ही थे, तो वो इस तरह से हमारे अपने ही हुए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी के घर पे हमला होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के अशोक रोड स्थित घर पर कथित रूप से हमला किया गया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार ओवैसी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। कहा जा रहा है कि हमला अज्ञात लोगों ने किया था। पुलिस ने इस मामले में पड़ताल शुरू कर दी है और आला अधिकारियों ने मौके का जायजा भी लिया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है शराब की दुकानों को लेकर। जानकारी के मुताबिक
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराब के खिलाफ अभियान के प्रेशर का असर दिख रहा है। बताया गया मध्य प्रदेश में अब नई आबकारी नीति 2023-24 को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब शराब की दुकानों पर बैठ कर शराब नहीं पी जा सकेगी, यानी दुकानों से शराब की बिक्री तो होगी लेकिन वहाँ बैठ कर पीने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में सभी अहाते भी बंद कर दिए जाएंगे। बताया गया ये फैसला अभी हाल ही में बीते रविवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि अब धार्मिक और जो भी पढ़ाई वाले संस्था हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज या हॉस्टल वगैरह भी, तो उसके 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान संचालित नहीं हो सकेगी। आपको बता दें पहले ये दूरी 50 मीटर थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में शराब को लेकर या कहें शराब पीने को लेकर ये नया नियम लागू किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इस फरवरी के महीने में 2 बार फ्री राशन मिलने को लेकर। दोस्तों करोड़ों गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी आई है। राशन कार्ड धारकों को फरवरी के महीने में 1 बार और फ्री में राशन मिलेगा। बताया गया ये राशन सरकार की तरफ से होली से पहले देने की तैयारी की गई है, यानी 8 मार्च से पहले पहले। मनी कंट्रोल की खबर के अनुसार 20 फरवरी से राशन के तौर पर गेहूं और चावल मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें इससे पहले 10 से 17 फरवरी के बीच गरीब परिवारों को 1 बार राशन दिया जा चुका है लेकिन इस फरवरी के महीने में 2 बार राशन दिया जाएगा। इसके तहत प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाएगा जिसमें 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल होगा। वहीं जो अंत्योदय कार्ड वाले हैं उनको 35 किलो राशन दिया जाएगा जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हार्दिक पांड्या को लेकर। जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी 2 टेस्ट और 1 डे सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है, यानी कि ये बता दिया गया है इन मैचों में कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे। बताया गया टेस्ट टीम में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन हार्दिक पांड्या पहली बार 1 डे फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करेंगे। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया के साथ 1 डे मैच होने वाला है उसमें रविंद्र जडेजा की वापसी होगी। वहीं जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 डे मैच में नहीं खेलेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उद्धव ठाकरे को लेकर। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने बीते शनिवार को शिवसेना पार्टी के नाम और जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण उस पर एकनाथ शिंदे के दावे को मंजूरी दे दी थी। अब उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर। जानकारी के मुताबिक जर्मनी के म्यूनिक शहर में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को लेकर दुनिया भर के नेता जुटे हुए हैं। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बताया गया हमेशा पुतिन की बुराई करने वाले यानी कि रूस के राष्ट्रपति की बुराई करने वाले मैक्रों ने बीते शनिवार को कहा है कि रूस को जंग में हराया जाना चाहिए पर उसे बर्बाद न किया जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस की तबाही चाहना गलत है, हम ऐसा सोचने वालों का साथ नहीं देंगे, बस हमारा मकसद है यूक्रेन को बचाना। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर एक और नया आरोप लगने को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वाइफ आलिया सिद्दीकी के साथ अभी कानूनी लड़ाई चल रही थी कि इसी बीच उनके ऊपर एक और आरोप लग गया है। जानकारी के मुताबिक सपना रॉबिन मसीह नाम की एक लड़की ने रोते हुए एक वीडियो शेयर किया है। सपना ने इस वीडियो में कहा है कि नवाज के दुबई वाले घर पर वो अकेली बिना खाए पिए रह रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दुबई में उसे अकेला छोड़ दिया है। सपना ने नवाज पर सैलरी न देने का भी आरोप लगाया है। दरअसल सपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बच्चों की देखरेख के लिए दुबई गई हुई है और वहाँ हाउस हेल्प के तौर पे काम कर रही है, पर इसी के बीच उसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर ये बड़ा आरोप लगाया है जैसा कि अभी आपने जाना। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक सिरफिरे आशिक को लेकर। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक सिरफिरे शख्स ने नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उस पर गंडासे से हमला कर दिया। खून से लथपथ लड़की जान बचाने के लिए भागी तो युवक ने उसका पीछा किया और सड़क पर उसके बाल पकड़कर घसीटने लगा। इस दौरान आरोपी ने अपने ऊपर भी हमला किया, हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया ये घटना रायपुर के गुड़ियाड़ी इलाके की है। परिजनों के मुताबिक उनकी लड़की आरोपी ओंकार तिवारी के मसाला सेंटर में काम करती थी। तिवारी ने लड़की की माँ से कहा था कि मुझे अपनी बेटी दे दो, मैं उसे अपनी पत्नी बना के रखूंगा। हालांकि जब घर वालों ने इनकार किया तो इसी बात से नाराज होकर ओंकार तिवारी ने इस तरह के घटने को अंजाम दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान को लेकर। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने गर्भ निरोधकों की बिक्री पे रोक लगा दी है। आतंकी संगठनों के मुताबिक ये मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को रोकने की पश्चिमी देशों की साजिश है। बताया गया उनका ऐसा मानना है कि पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम की जनसंख्या बढ़े, यानी कि ईसाई वगैरह। द गार्डियन के मुताबिक तालिबान आतंकी डोर टू डोर जाकर महिलाओं को धमका रहे हैं कि वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यानी कि गर्भ को रोकने के लिए किसी भी तरह के दवा का इस्तेमाल ना करें। हालांकि इसी मामले को लेकर सऊदी अरब के अखबार द नेशनल से बातचीत में तालिबान हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि मेडिकल स्टोर्स का रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, ब्रिटिश मीडिया की खबरें गलत हैं, हमने इस तरह की दवाओं पे रोक नहीं लगाई है। यानी कि दुनिया के 2 बड़े-बड़े अखबार इस मामले में आमने सामने हैं कि आखिर किसकी बात सही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आज 20 फरवरी 2023 के राशिफल को लेकर। तो
शुरू करते हैं मेष राशि से, तो मेष राशि वालों के लिए कहा गया है कि आज का दिन जीवन साथी और संतान को लेकर मतभेद हो सकते हैं। वाहन चलाने में सावधानी रखें, धार्मिक कार्यों में रुचि बनाए रखें। अगर आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो मित्रों के माध्यम से जरूरी जानकारी मिलेगी। वहीं वृषभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज आपकी किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कोई संपत्ति खरीदने की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा। वहीं मिथुन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज आप स्वास्थ्य हानि व शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हो सकते हैं। धन खर्च और मानसिक उद्वेग हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा। वहीं कर्क राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सप्ताह का पहला दिन मिला जुला फलदायी रहेगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी। व्यापारिक मामलों के लिए छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये समय अनुकूल है। वहीं सिंह राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज आप ठंडी हवा तथा सर्दी से अपना ध्यान रखें। संक्रमण से बचाव के लिए समय पे दवा का सेवन करें। पिता से मन मुटाव हो सकता है। पिता के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वहीं कहा गया है भाइयों के सहयोग से घरेलू कार्यों को पूरा करेंगे। इसके अलावा कन्या राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं। आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पे खर्च हो सकता है। वहीं तुला राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सोमवार का दिन आपको विदेश अथवा किसी दूसरे स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही में आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा और धार्मिक आस्था बढ़ेगी। वहीं ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार आएगा और वो आपके कामों में मदद के लिए भी तैयार रहेंगे। वहीं वृश्चिक राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन पैसों के संबंध में उतार चढ़ाव वाला रहेगा। प्रोफेशनल मामले में आपके रास्ते में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, यानी कि कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप उसे पार कर लेंगे। वहीं धनु राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सप्ताह के पहले दिन छात्रों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अपनी बुद्धिमानी से स्थिति मजबूत बना सकेंगे। संतान उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगी। अचानक से आने वाला धन आपको खुशी देगा और परिवार के साथ मौज मस्ती में रहेंगे। वहीं मकर राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज बदलता मौसम आपकी सेहत को खराब कर सकता है, इसीलिए सावधान रहें। माता पिता से किसी बात पर अनबन होने की आशंका है, इसी की वजह से रिश्तों का ध्यान रखें और मर्यादा बनाए रखें। वहीं कुंभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सप्ताह के पहले दिन घर और कार्य क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे सोच समझ कर बोलें और इस बात का ध्यान रखें कि आपकी वाणी से, यानी कि आपकी बात से कोई दुखी ना हो। अपने शब्दों को कंट्रोल में रखें और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ अच्छे अवसर खो सकते हैं। वहीं मीन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। हालांकि संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।